हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और इतने दिनों से जो मैंने व्लॉग नहीं बनाया वो इसलिए जो मुझे काम था और काम की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और आज का दिन जो है, आज मैं बारात में जा रहा हूँ। मोहल्ले में कार्ड आया था घर पे, कार्ड आया था इसलिए आप बोला चलो आप बारात में चले जाओ, इसलिए शादी इनकी आप अटेंड करो, इसलिए मैं अटेंड करने जा रहा हूँ इसकी शादी। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और अभी बारात में जाने का वक्त हो रहा है, बारात जा रही है, तो वो आप कमेंट में बताएंगे बारात कहाँ जा रही है, मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। कि अभी बस आने का टाइम भी हो रहा है, मैं ठीक है समझ गया कि चेक करते हैं वो बस पहुँच गई है या नहीं पहुँची, तो फिर हम आपको बस भी दिखाते हैं कौन सी बस में मैं जा रहा हूँ। अभी मैं जाने लगा हूँ बस में, और बस जो ना वो दूर खड़ी हुई है, और मेरे पास ये आप देख सकते हैं कि मेरा बैग लेके मैं जा रहा हूँ। दूर जब दूर है ना, इसलिए फिर एक सूट काफ़ी है। अभी चलते हैं आगे, आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। ये आगे बराती जाने लग रहे हैं, आप देख सकते हो। और ये आपका भाई भी जाने लग रहा है, जल्दी में होना इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ अभी, और मैंने आके अपना जो मेरे पास बैग था मैंने रख दिया, और मैं बस के बिल्कुल सामने आगे खड़ा, बिल्कुल सामने आप देख सकते हो। इसमें मैं अभी सफ़र करने वाला हूँ, सफ़र करके फिर आपसे मिलते हैं कि आगे क्या होता है। बैठ जा भाई, उतना सुकून से सीट पर बैठ के हम आप देख सकते हैं कि साथ वाले साथ में जो सीट है वो बाइक के जो मोहल्ले का है, इसलिए आपको पता है जो बड़ा होता है उसको एहतराम के साथ के बोलना चाहिए। भाई साथ बैठेगा, अभी मैं फ्रंट में बिल्कुल साथ बैठा हूँ ड्राइवर के, इसलिए आप देख सकते हो कि मैं ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ हूँ।
तो गाइस अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी है, ये जगह तो पता नहीं कौन सी है। पेट्रोल पंप है बहुत बड़ा, और ये आप जो मेरे पीछे व्यू देख रहे हो, ये व्यू भी बहुत अच्छा आया हुआ है। यहाँ पे दरअसल हम दो नंबर करने के लिए रुके थे, दोनों रुके थे वो सामने आप देख रहे हो ये बाईपास है। इसके अलावा ये व्यू बहुत प्यारा है, मैं आपको व्यू दिखाऊँ अपने पीछे से। ये आप व्यू देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है इधर का। यहाँ बहुत बंदा आराम से मज़े से इधर बैठ सकता है। और ये जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है हमारे वाली, ये वाली बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि और ही मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है हमारी वाली बस। बहुत अच्छी यहाँ पे गाड़ी है। ये भाई पेट्रोल पंप है बिल्कुल सादा सा, और उसके अलावा ये हमारी बस तैयार है, उसमें जाते हैं। ओके तो यार अभी जो के मालिक जिनकी बरात आई है वो ना दरअसल जो स्टाफ हमारा बीच में स्टाफ पे आने वाले थे ना ये नाश्ते के लिए, वो इन्होंने दरअसल ये जो आपको सामने होटल नज़र आ रहा है इसमें इन्होंने यहाँ का जो रातियों को नाश्ता कराते हैं उन्होंने नाश्ता कराने का कहा है। यहाँ पे कराएंगे नाश्ता भी कराएंगे। अभी गाड़ी रुकी है और सब उतरे, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये जो जहाँ पे रुके हुए हैं यहाँ, ये सईदाबाद की जगह है और इस होटल का नाम जो है वो बिस्मिल्ला रेस्टोरेंट नाम है इस होटल का। बस सादा सा है, सही है यार, ज़रूरी नहीं होता कि अमीर अच्छा रेस्टोरेंट हो, बंदा जहाँ स्टॉप करना चाहे कर सकता है वो वहाँ पे। और यार मैं बस में इसलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि बस चलने लगती है जब उस टाइम फिर आवाज़ नहीं आती ना, बस की आवाज़ आती है, बस बोलती है बस मेरी आवाज़ सुनो और किसी की आवाज़ नहीं सुनो इसी वजह से। और आपको जो आवाज़ आ रही है गाड़ियों की वो दरअसल बाईपास के साथ ही खड़े हुए हैं इसीलिए आपको आवाज़ आ रही है। सामने टूल प्लाज़ा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टूल प्लाज़ा भी है, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला टूल प्लाज़ा भी है। इसे हम थोड़ा जूम करते हैं, देखो ये टूल प्लाज़ा है और ये सारा बाईपास जो कि है बाईपास के अलावा ये बाईपास के सामने होटल है जहाँ पे हम रुके हैं, हमने रिहाइश की है। भाई अभी नाश्ता कर लिया है और अभी गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी में जाके 3-4 घंटे का सफ़र है वो गुजारना है, गुजारने के बाद जाके अपने हाल में पहुँचेंगे, पहुँच के फिर इंशाल्लाह बेहतर करेगा। तो वापसी भी आना है, वापसी भी सफ़र इस बस में ही करना है ना भाई, बराती हैं हम, बराती तो ऐसे ही करते हैं ना सफ़र बस में इसी वजह से। और यार आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल जल्द से यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत फ्री है, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और यार अपने कमेंट अपनी राय भी दिया करो, वीडियो आपको कैसी लगी, मैं कैसे बनाऊँ आप बताएंगे तो मैं बनाऊँगा ना अच्छी।
वीडियो बनाता जाऊंगा भाई, हमें दिखानी है बिरसा, दिखाना है बिरसा। बिरसा अभी पहुंचने वाले हैं हम भाई, सोशल वर्कर बनेगा। हाँ ना, हम यूट्यूबर हैं ऐसे ही थोड़ी। ये साई इधर पिटाई हो जिसकी है ना, ये ये आप देख सकते हो कि सारी दुकानें हैं। मेले पे इधर बहुत ज़्यादा रश होती है, आपको पता होगा। ये अभी एंट्री हो गए हमारी इधर, आगे चलते हैं। अभी ये नक्शा बना हुआ है सिंध का, यहाँ पे हमारा घोटकी भी है नक्शे में। एक ये साइड है, जूते देने ये सामने पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है लेकिन के लिए। तो भाई बिरसा आने के बाद अभी ये जो सामने गार्ड खड़ा हुआ है ये मना कर रहा है वीडियो बनाने से, फिर अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाके वीडियो बनाते हैं हम थोड़ी बार। तो अभी यहाँ पे चप्पल भी उतारते हैं हम, शूज़ पहने हुए, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ये भाई अभी मैं दरबार के अंदर आ गया हूँ, आपको ये यहाँ से सामने से दिखाता भी हूँ कि जगह देखो आप कितनी बड़ी है माशाल्लाह। अंदर एंट्री भी करते हैं अभी, देख ये आप देख सकते हो कि इधर सामने ये दरबार की एंट्री की जगह है। खड़े हो भाई, तो अभी ये हमारी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है दरबार में। दरबार में हमारी ये एंट्री हो गई है। यहाँ पे सारे जने आए हुए हैं, बहुत बहुत ही प्यारा। इधर जब यहाँ पे उर्स आता है उस टाइम धमाल होता है, पहला उस टाइम बहुत रश होती है। यहाँ पे धमाल नहीं है इस वजह से, यहाँ पे इतनी रश भी नहीं है, सादा सा बिल्कुल कम है इधर बंदे। इसी वजह से मैं आपको अंदर की भी इधर अंदर की भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ से जब जाते हैं अंदर, ये आपको जगह दिख रहे हैं इधर बैठ के धमाल कर रहे हैं। पिछले महीने में होते होता था धमाल वो कर रहे हैं, देख सकते हैं कि आप इधर बैठ के जा रहा हूँ अंदर कर रहा हूँ, इधर से भी बंद करता हूँ। मैं दरबार पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बिल्कुल दरबार है। ये दरबार शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का ये वाला दरबार है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं इधर जब मैं हाला आता हूँ तो इधर मैं आता रहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आता मैं, इसलिए मैं देख सकते हैं आप ये सारा माशाल्लाह दरबार है। ये वीडियो आप देख सकते हो कि बहुत बेहतरीन दरबार है, ऊपर तक देख सकते हो। आपको दिखाऊँ इधर से देख सकते हो कि कितना बड़ा दरबार है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का शाह अब्दुल लतीफ का दरबार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी आएंगे दरबार। ये आप देख सकते हो कि माशाल्लाह कितने बड़े बड़े अल्फाज में कुरान मजीद लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ भी लिखा हुआ है, बहुत ही ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना बड़ा कुरान पाक है, और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो आपको आवाज़ आ रही है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, ये कर रहे हैं क्या करते हैं। तो गाइस अभी हम आने लगे हैं यहाँ पे बिरसा में, सस्सी पुल के नाम से एक जगह है जहाँ पे पुतले हैं पुराने पुराने सदियों पुराने, जो महाराज होते थे उनके पुतले बनाए हुए हैं, वहाँ पे मैं आने लगा हूँ। ये मेरे साथ मेरे दोस्त भी आने लगा है, और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये इसके साइड में दोनों जगह पे पानी है, ये आप देख सकते हो इस साइड पे और इस साइड पे भी पानी है।
अभी चलते हैं ये आगे, ये साईं लतीफ शाह, ये सामने भाई लतीफ शाह भी बनाया हुआ है, तस्वीर बनाई हुई है बड़ी सी करके, और ये आप देख सकते हो व्यू कितना प्यारा नज़र आ रहा है यहाँ पे। वहाँ से अभी हम आए थे, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का व्यू। और अभी चलते हैं आगे जाके देखते हैं ये खुला है या बंद है, शायद खुला हो भाई, पता भी नहीं है ना इनका, खोलते हैं नहीं खोलते, आगे जाके चेक करते हैं, अल्लाह भलाई करेगा। तो भाई अभी चेक करके आए हैं, तो हम वहाँ पे बंद लगा हुआ है, जो उन्होंने उनकी जो उधर का मालिक है या कौन है उधर बैठा होता है गार्ड, उसने बोल दिया हमें बंद पड़ी है ये जगह, तो इसलिए वापस आना पड़ रहा है हमें। अभी चले वापस, बस पे बस इंतज़ार कर रही है अभी हमारा, अभी आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। व्यू बहुत ही इधर का खूबसूरत है, इधर रश जब होती है जब शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का मेला हो, और मेले में जो पहली धमाल होती है जब बहुत रश होती है इधर, बहुत ही ज़्यादा रश होती है। मैं इधर आता रहता हूँ आपको पता है, जिसको नहीं पता उसको अभी पता चल गया होगा। तो अभी बस में चलते हैं जाके, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी भाई जल्दी हम जा रहे हैं बस में, वहाँ पे भाई मालिक खड़े हुए आवाज़ दे रहे हैं, आ जाओ, देर हो गई है ना इसलिए। अभी जाते हैं जाके पहुँचते हैं, मैं तेज जा रहा हूँ, ये मेरा दोस्त तेज जा रहा है भागता भागता, फिर आगे जाके मिलते हैं हम। क्या हो रहा है